ये इसको थोड़ा बदलते हैं। ये इतनी सारी एनसीईआरटी हमारे पास जमा है कि हम बच्चों को बेच सकते हैं। तो ये हमारी इस साल की सारी ऑफलाइन की बुकलेट्स हैं। क्लास फैमिली की लड़की ये डिमांड करती है कि हमें क्या मिले इक्वालिटी। हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द न्यू व्लॉग ऑफ द घई फैमिली। तो आज के इस व्लॉग में मैं आपको दिखाऊंगी हमारे ऑफलाइन की प्रेपरेशंस जो चल रही हैं, क्योंकि हमारे कल से होने वाले हैं सेशन शुरू। अब क्रॉस चेक करना है। वैसे तो हमारे यहाँ जो भी हमारा ऑफिस संभालते हैं उनने सब कुछ अच्छे से कर रखा है, बस अब मैं जा रही हूँ अकेडमी सब चेक करने के ऑल सेट है या नहीं है। बुकलेट्स का चेक करना है, नोट्स का चेक करना है, बोर्ड्स, इंक्स, एवरीथिंग। तो चलो चलते हैं अकेडमी, स्टे ट्यून्ड गाइस। तो मैं पहुंच गई हूँ अकेडमी और यहाँ पे जोरों शोरों से ऑलरेडी काम चल रहा है। मैं आपको दिखाती हूँ क्या हो रहा है। लक्ष भाई लिस्ट बन रही है, ये लिस्ट बना रहा है सारी जो हर टीचर को मिलेगी अपने बच्चों को देखने के लिए, है ना भाई? हाँ जी मैम। तो सारा कुछ सॉर्ट हो गया है वैसे? सॉर्ट है, सब रेडी है। अब बुकलेट्स आने वाली है बस। चलो ठीक, हाँ देखते हैं भाई। लक्ष भाई ये काम करते हैं, ये इसको थोड़ा बदलते हैं, थोड़ा ठीक करते हैं, क्या कहते हैं? चलो चलो शुरू करते हैं। ये इतनी सारी एनसीईआरटी हमारे पास जमा है कि हम बच्चों को बेच सकते हैं। बेच, बच्चे छोड़ जाते हैं, लेने भी नहीं आते। ये लो भाई रखो। अब कोई मांगे, कोई बच्चा बोलते हैं एनसीईआरटी लाइक और लो एनसीईआरटी, लो यहीं से लो। तो फाइनली बुक्स आ गई हैं, हमारी बुकलेट्स आ गई हैं इस सेशन की। लेट्स चेक देम आउट। तो आ गई हैं हमारी सारी बुकलेट्स। ओके अरे लक्ष्य भाई श्री गणेश करो किसी बुक का, निकालो भाई एक बुक तो निकाल के दिखाएंगे। तो ये हमारी इस साल की सारी ऑफलाइन की बुकलेट्स हैं, 9th, 10th, 11th, 12th ऑल सब्जेक्ट्स। अभी आपको कम लग रही है तो अभी दूसरे ब्रांच में भी जाएंगी। चलो लक्ष्य श्री गणेश करो। हाँ ये हमारी अकेडमी की लक्ष्मी है, ये श्री गणेश करेंगी। चलो मेरी बुक खोल रही। अच्छा चलो बच्चों मेरी बुक देख लेते हैं। SST की बुक है मेरी क्लास 10th की। तो ये पूरी बुकलेट सारी बुक्स है, धीरे धीरे आपको सब पता चलेगा दिखेगा। तो हम लोगों ने बुकलेट्स के लिए एरिया खाली किया था, लक्ष्य ये वाला है, ये पतले पतले दो, और हमारी जो बुकलेट्स का अंबार है वो सारा ये है। ये कैसे आएगा, ये कैसे आएगा? लक्ष्य तुम क्या करते हो लक्ष्य है, ये तुमने क्या किया? इतने पिद्दी जगह में हमारी बुकलेट्स आ जाएंगी? अरे आधी जाएंगी, वो ऑलमोस्ट वहां पे चली जाएंगी, लेकिन यहाँ सारी कैसे आएंगी ये बताओ तुम। अच्छा बस अपना ना ये एक्सक्यूजेस देता रहता है, ये यहाँ बिल्कुल नहीं आने वाली है, अब हमें इसको खुद ही मैनेज करना पड़ेगा सारा। चलो यार मैनेज करते हैं, तो मेरे इन रस्सियों में पैर फंसी जा रहा है। तो जब तक हम ये बुकलेट्स की प्रॉब्लम को सॉल्व करते, लक्ष्य को कुछ बाहर बाहर के काम थे तो मैंने उसको भेज दिया है। मैंने कहा मैं यहाँ बैठी हूँ डेस्क पे, क्योंकि शाम को मेरी फिर 5-6 बजे क्लास है, तो मैं चली जाऊंगी। और अभी मैंने कहा तू बाहर का काम निपटा ले भाई, और मैं यहाँ पे अपने लिस्ट विस्ट बनानी उसका काम मतलब थोड़ा सा शुरू कर रही हूँ। ये हमारी एक ब्रांच है। मुझे पता है अभी बहुत सारे मैसेजेस आप लोग मेरे कमेंट सेक्शन में भर दोगे कि मैम हमें ऑफलाइन सेंटर का टूर कराओ। तो मैं अभी टूर नहीं कराऊंगी, रीजन बीइंग हमारा अभी एक बहुत बड़ा रूम है जो अंडर कंस्ट्रक्शन है। जैसे उसकी कंस्ट्रक्शन पूरी हो जाएगी तो डेफिनेटली मैं आपको पूरी अकेडमी दिखाने वाली हूँ, पूरी अकेडमी, हर रूम, हर सेटअप, एवरीथिंग मैं दिखाऊंगी आप लोगों को। लेकिन अभी फिलहाल मैं आपको टूर नहीं कराऊंगी। हाँ थोड़ा थोड़ा आप लोगों को बीच बीच में दिख रहा है वो सब, तो वो आप देखते रहिए, इंजॉय कीजिए, चिल कीजिए, लेकिन हाँ अभी मैं वो नहीं दिखाऊंगी। और बात रही लिस्ट की, अब मैं लिस्ट बनाऊंगी पहले, लक्ष्य थोड़ा बाहर का काम करेगा। ये हमारी एक ब्रांच है। दूसरी ब्रांच में एक और जसपाल जी हैं, मैं उनसे भी आपको जरूर मिलवाऊंगी। वो वहाँ पे वो वाली ब्रांच अभी संभाल रहे हैं, यहाँ पे लक्ष्य संभालता है, और बाकी हम तीनों यहाँ पे टीचर्स मतलब ओनर काइंड ऑफ है, ओनर की बीवी ओनर ही होती है यार, और क्या। तो अब लिस्ट के अकॉर्डिंग हम लोग कर रहे हैं बाइफोकेशन कि कितनी बुक सेक्टर 5 वाली ब्रांच में जाएंगी और कितनी यहाँ वाली ब्रांच में रहेंगी। लिस्ट पूरी बन चुकी है, तो अब सॉर्टिंग होगी और आधी बुक्स दूसरी ब्रांच में जाएंगी और बाकी बुक्स यहाँ रहेंगी। मार्कर्स वगैरह भी सब आ गए हैं भाई। वैसे तो आजकल स्मार्ट बोर्ड का ज़माना है, लेकिन एक दो जगह पे, एक दो रूम्स में अभी भी वाइट बोर्ड लगे हुए हैं, तो उनके लिए सारा सामान। बस बुक्स की सॉर्टिंग हो गई है और लक्ष्य निकल गया है दूसरी ब्रांच के लिए बुक्स को पहुँचाने, मार्कर्स, इंक सब सेटअप करने। मैं थोड़ा से बस साफ सफाई करने लगी हूँ अब फ्रंट ऑफिस की, बस आई एम सो एक्साइटेड फॉर द न्यू सेशन नाउ। आराम भरे दिन बीतो रे भैया, अब सुख आयो रे, क्योंकि अब हमारी क्लासेस शुरू होने वाली हैं बस कल से।
आई एम वेरी एक्साइटेड, मतलब ऑनलाइन के लिए भी ऑफलाइन के लिए भी आई एम वेरी 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 एक्साइटेड. पहली बुक्स की सॉर्टिंग वगैरह सारी हो गई है, लक्ष्य सब ठिकाने लगाया है सेक्टर 5 में भी जाके, तो अब बस ऑलमोस्ट सब कुछ रेडी है, ऑलमोस्ट सब कुछ रेडी हो चुका है. बस अब कल से क्लासेस शुरू हैं एंड देखते हैं, स्टे ट्यून्ड कि कल क्लासेस फर्स्ट डे ऑफ आर ऑफलाइन कैसा रहता है, ऑनलाइन कैसा रहता है, लेट्स सी. गाइस फाइनली आज है हमारे सेशन का सबसे पहला दिन. आई एम रियली वेरी एक्साइटेड टू मीट ऑल माई स्टूडेंट्स ऑनलाइन ऑफलाइन. लाइक मेरा आशु सर का, शाम सर का आज फर्स्ट डे है और बाकी हमारे ऑफलाइन के टीचर्स का भी. तो बस अब मैं रेडी हो गई हूँ और मैं जा रही हूँ अपनी अकेडमी के लिए. वहां पे मिलते हैं अपने स्टूडेंट्स के साथ. स्टे ट्यून्ड. फाइनली वी आर डन विद आर फर्स्ट डे ऑफ ऑनलाइन एंड ऑफलाइन सेशन. हमारे आज से ही सेशन शुरू हुए थे और बहुत मजेदार रहा. आप लोगों का एक्सपीरियंस बहुत बढ़िया, धमाकेदार, तो बहुत मजा आया हमें. और इस चैनल को प्यार करने वालों के लिए एक सरप्राइज है, वो शाम से बताएंगे. अगर आप हमारी घई फैमिली के सारे ब्लॉग्स को देखते हो और हमें प्यार करते हो, तो अगर आप पेड कोर्स 9, 10, 11, 12 और नीट का कोर्स जो हमारे साइंस एंड फन ऐप पर है वो लेना चाहते हो, तो घई 20 का कोड लगाओ, 20% डिस्काउंट पाओ. फ्लैट 20% हमारे इस ब्लॉग चैनल को प्यार करने वाले के लिए मिल रहा है. और अगर आप ये कोड लगाओगे तो हमें ही पता चलेगा कि कितने सारे हमारे चाहने वाले, इस ब्लॉग के चाहने वाले हमारे पेड कोर्सेज भी खरीद रहे हैं. वहां पे आपको मिलने वाला है ऑफलाइन और ऑनलाइन का एक साथ हाइब्रिड मॉडल पे पढ़ाई. और साथ ही साथ मेरे घर आते ही कियान ने एक डिमांड की हुई थी, आओ दिखाती हूँ मुझे क्या वो करने वाला है. आज देखते हैं. किनू देखो, मैं आपके लिए कोल्ड ड्रिंक भी ले आई ऑफिस से और मैं मेंटोस भी ले आई. अब आप बताओ आप इससे करोगे क्या, ये मुझे समझाओ पहले. हाँ मुझे समझाओ, इधर इधर खड़े होके समझाओ ना, इस चीज से कैसे करोगे आप इसको. एक्सपेरिमेंट करोगे. मेंटोस डालोगे अच्छा, स्टिक से घुमाओगे उसको. तो ये आपने कहाँ देखी है वीडियो, कहाँ देखी है आपने ये? टीवी में देखी थी शाम को. यार मिल नहीं रही थी, यही मिली है. ये एक ही चाहिए होगा, बस एक से ही होगा. एक तो बड़े पापा खा लेंगे, पूछ लो. अच्छा पहले आप बुढ़िया बताओ ये क्या हो रहा है. वहाँ बताओ क्या हो रहा है. किसको, ये क्या है, ये मेंटोस. हाँ क्या करना है हमें इसमें डालेंगे तो क्या होगा? इसमें करेंगे तो इसमें एक्सपेरिमेंट हो जाएगा. क्या हो जाएगा? एक्सपेरिमेंट नहीं होगा, क्या उसके बाद कुछ होगा पहले पता होगा. अरे बाथरूम में करते हैं. आओ फिर आओ. क्या लाना है? फिर मम्मी बोलो स्टूल ले आओ. एक्सपेरिमेंट के लिए लाए हैं, खाने के लिए नहीं लाए हैं. खा रहे हैं पापा तो टेस्ट कर रहे थे, तो टेस्ट थोड़ी करते हैं, करना पड़ता है टेस्ट. हाँ क्या करना है बता आपको. हाँ. क्या मैं तो उसको डालूंगा. ये आपका वेट करता है कब से कि आशु मुझे एक्सपेरिमेंट कराएगा. क्यों ऐसे पकड़ो. अब रुक जाओ ठीक है. क्यों टू आउट ऑन टू मैं ठीक है. अभी रुक जाओ, फटाफट डालो. किनू डालो, मुझे कान बंद कर रहे कान बंद. डालो बस. उसको एक्सपेक्टेड था वो यूट्यूब की वीडियो की तरह फटेगा पूरा. ये देखो एक्सपेरिमेंट के बाद. किनू कैसा लगा एक्सपेरिमेंट आपको? किसने करवाया है आपको? अच्छा लगा? ये मेरे को दो दिन से पीछे पड़ा हुआ है और आज मेरे पास कॉल आया है स्पेशलिस्ट का कि मेरे को कोल्ड ड्रिंक और मेंटोस लाके दो. लेकिन एक्सपेरिमेंट के साइंस तो समझ लो. अच्छा
ये जो मेंटॉस होता है इससे बहुत छोटे छोटे रफ सर्फेसिस होते हैं, ठीक है। तो जैसे ही मेंटॉस इस कोल्ड ड्रिंक के अंदर जाती है वो छोटे छोटे रफ सर्फेस अंदर के गैस को डिस्टर्ब करते हैं। अच्छा। और वो छोटे छोटे पार्टिकल्स जो रफ सर्फेस है वो न्यूक्लियस की तरह बिहेव करते हैं और यहाँ सारी गैस डिस्टर्ब होके एक जगह पे कंसंट्रेट होती है, कंसंट्रेशन बढ़ जाती है जिसके वजह से बाहर आना चाहती है। किलो समझ गए आप? तो देखा आप लोगों ने क्या इन लोगों ने मतलब क्या एक्सपेरिमेंट किया है, मतलब बच्चे क्या देख देख के सीखते हैं। तो आई होप आपको आज का व्लॉग पसंद आया हो। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।